देखिए, जो 90-80 दशक के हिंदी फिल्में और उसके गाने होते थे वो ठीक ठाक अच्छे खासे रहते थे, और अब वाली फिल्मों के गाने तो अजीब ही रहते हैं। खड़ा हो जा, हम करके आया है, नहीं करके आया है, इधर निकल पाए मुड़ सीधे चलते, जा बाहर निकल, मुर्गा बन, इधर आ जा, अंदर जा, बैग ले, घर जा, खाना खा, खेल कूद, बैठ, ये वो, पता नहीं कैसे कैसे गाने हैं। गाना गा रहा है, गा कर क्या समझा रहा है ये समझ में ही नहीं आता है, बस पता चलता है कि हाँ कुछ तो कह रहा है। इसको रैप सॉन्ग कहते हैं। मैंने तो सुना था कि नैना से नैना लड़ने पर इश्क मोहब्बत होता है, यहाँ तो आंखों से आंखें मिलने पर आई फुलू हो जा रहा है। लड़कियों को जब खाना रहेगा तो वो क्या कहेंगे, डेरी मिल्क खिला दीजिए और चोकोबार खिला दीजिए, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर। चाउमीन जानते हैं, वही जो बरसात के केचुए की तरह होता है, वही टेढ़ मेढ़ रस्सी लाई की स्ट्रक्चर इज कॉल्ड चाउमीन, जो एक ठो बर्छा आता है उसको भोग कर ऐसे खाते हैं, वही वाला। तो जब भी लड़कियों को खाना रहेगा तो ये कहेंगे, आप कहेंगे हमको कुछ खिला दो, कहेंगे चलो तुमको रोटी भुजिया बना के खिला देंगे, आप खुश हो जाएंगे, करी वाह रोटी बना कर लाएगी हमारे लिए। जो पुरानी पिक्चरें होती थी उसमें हीरो हीरोइन के आँख में देखे प्यार हो जाता था। अगर ऐसा सोचिए, अगर ऐसा बाहर होता तो क्या होता, एकदम घूर कर देख देते, बीमार हो जाती, एकदम खिसिया की नज़र लग जाती, इतना खिसिया के देख लें चक्कर आ जाए उसको। हाँ हेलो, नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों और सहेलियों, आज हम लोग जानेंगे संवेदी अंग के बारे में। देखिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंसरी आर्गन। तो संवेदी अंग उसे कहते हैं जो हमको चीज़ों का आभास कराए, वस्तुओं का आभास कराए, ठीक, आभास कराए, उसी को क्या कहते हैं, सेंसरी आर्गन। तो देखिए, जो उद्दीपन होते हैं, उद्दीपन यानी स्टिमुलाई, इसी का अनुभव हमको हो जाए वही अंग कहलाते हैं संवेदी अंग। यानी ऐसे अंग जो उद्दीपनों को महसूस कराते हैं वही कहलाते हैं संवेदी अंग। संवेदी अंग के अंतर्गत देखें तो आता है आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। आँख देखने का कार्य, कान सुनने का कार्य, नाक सूंघने का कार्य, त्वचा ये स्पर्श को बताएगा, जीभ स्वाद को बताएगा। तो इसके अलावा भी देखिए, एक होता है सिक्स सेंस, सिक्स सेंस, एक होता है कॉमन सेंस, एक होता है नॉन सेंस, तो इन सबको भी समझेंगे। देखिए, कुछ बिना हुए ही पता चल जाए उसको कहते हैं सिक्स सेंस। कॉमन सेंस मतलब समझदारी होती है, नॉन सेंस मतलब बेवकूफ़ी होती है, ठीक। तो मिटाते हैं इसको। अब इसमें से हम लोग पहला पढ़ेंगे आँख, ठीक। तो सेंसरी आर्गन में पहला हेडिंग आँख, नेत्र कहते हैं इसको, ठीक। अंग्रेजी में आई, आँख, नेत्र, ठीक, यही है हेडिंग। तो देखिए, अगर सामने की तरफ से देखें तो आँख ऐसे दिखाई देती है, और इधर ऊपर ऐसे बाल लगे रहते हैं, और यहाँ ऐसे इस पर भी बाल पाए जाते हैं। इसको कहते हैं भौ, आई ब्रो। इसको कहते हैं पलक, आई लीड। और आपका जो ये वाला भाग है इसको और अच्छे से समझाते हैं। इसके पहले जान लीजिए, ये जो भौव है इस पर छोटे छोटे बाल पाए जा रहे हैं, ये धूल कण को अंदर नहीं जाने देता है, धूल को अंदर नहीं जाने देगा। पलक यानी ये आँख का शटर है, आँखों को खोलने बंद करने का काम करता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ आईलिड इज नोन एज आँख का बंद होना और खुलना। अगर यही एक आँख से करें तो उसको आँख मारना कहते हैं। तो देखिए, अगर संरचना देखें, संरचना क्या है, इसके पहले ग्रंथि समझ लीजिए। आँख में यहाँ एक तो ऐसे लाल सा स्थान होता है, इसको कहते हैं पंकटम, पंकटम, ठीक, ये कीचड़ बनाता है। अब बनेगा कैसे वो समझ लीजिए, यहाँ पाया जाता है लैक्रिमल ग्रंथि, और यहाँ इसको कहते हैं लैक्रिमल ग्रंथि। ग्रंथि में तीन ग्रंथि रहेगी, एक लैक्रिमल ग्रैंड,
एक मीबोमियन ग्लैंड और एक हार्डीरियन ग्लैंड। ठीक, ये हार्डीरियन ग्लैंड यहाँ नीचे की तरफ पाया जाता है और ये कार्निया को कोमल रखने के लिए एक ठो द्रव स्रावित करता है। मियोबियन ये तेल स्रावित करता है और इसको कहते हैं आंसू ग्लैंड या अश्रु ग्लैंड। ठीक, इसको क्या कहते हैं, अश्रु ग्रंथि, टीयर ग्लैंड, टीयर ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, आंसू का निर्माण करना। आंसू निर्माण का काम कौन करेगा, लैक्रिमल ग्रंथि। देखिए, जब भी रोते हैं तो आँख में आंसू आ जाता है, इससे आँख की सफाई हो जाती है। तो एक आध महीने में एक बार रो लिया करिए, इससे आपकी सफाई हो जाएगी। तो ये तो ग्रंथि के बारे में था, ये बाहर से देखे हैं। अब आँख को संरचना बनाकर अंदर से देखते हैं आँख होती कैसी है। देखिए, अगर परत की बात करें तो आँख में तीन ठो परत पाई जाती है। ये है सबसे बाहरी परत, इसको कहते हैं दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। स्क्लेरेलिक या स्क्लेरॉइड भी कहते हैं इसको। इसके अंदर एक ठो परत पाई जाती है, इसी का देखिए आगे वाला ये भाग ऐसे उभरा होता है, इसको कहते हैं कार्निया। ठीक, इसके अंदर एक परत पाई जाएगी, इसको कहते हैं कोरोइड। तो ये जो अंदर की तरफ परत पाई जा रही है इसको कहते हैं कोरोइड या रक्तक पटल, रक्तक पटल, कोरोइड। अब एक ठो और अंदर की तरफ परत रहती है, इसको कहते हैं रेटिना। ये क्या कहलाती है, रेटिना, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, रेटिना। ठीक, यही तीन ठो परत रहती है। अब इसमें जान लीजिए, यहाँ पर ऐसे लगा रहता है लेंस, ये क्या है, लेंस। और यहाँ से ऐसे यहाँ सिलियरी मसल होती है तीन जोड़ी। ठीक, इसको कहते हैं सिलियरी मसल यानी सिलियरी पेशी। तो अब देखिए, लेंस के आगे जो ये वाला भाग है, यहाँ से ऐसे थोड़ा हुआ, ये थोड़ा सा ऐसे आगे आया रहता है, इसको कहते हैं आइरिस। आइरिस को हिंदी में कहते हैं परितारिका। और ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं प्यूपुल, प्यूपिल, पुतली। ठीक, अब देखिए, अगर सामने से एक तो ऐसे आँख बनाएं और इसमें देखें तो ये जो बड़ा वाला भाग है इसको कहते हैं, देखिए पहले इसको, ये जो छोटा सा भाग है इसको कहेंगे पुतली, ये वाला भाग कहलाएगा परितारिका, ये वाला भाग स्क्लेरा कहलाता है, ये सफ़ेद रहता है स्क्लेरा। और यही जो बाह्य पर दृढ़ पत्र है ये स्क्लेरेलिस। ठीक, अब ये तो संरचना था, एक एक के बारे में बढ़िया से समझते हैं। उसके पहले और समझ लीजिए, इसमें एक ठो द्रव भरा रहता है, इसको कहते हैं कांचाभ द्रव, कांचाभ द्रव। और यहाँ एक ठो द्रव भरा रहता है, इसको कहते हैं जलीय द्रव। ठीक, तो देखिए, ये है रेटिना, ये है लेंस। लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव रहता है उसको कहते हैं कांचाभ द्रव। लेंस और कार्निया के बीच जो द्रव रहता है उसको कहते हैं जलीय द्रव। देखिए, कार्निया के ऊपर एक ठो परत रहती है, इसको कहते हैं कंजक्टिवा। कार्निया के ऊपर एक ठो परत रहेगी, इसको क्या कहेंगे, कंजक्टिवा, नेत्र श्लेष्मा, नेत्र श्लेष्मा, कंजक्टिवा। ठीक, और आजकल एक ठो बीमारी तेजी से फैली है, कंजक्टिवाइसिस। आपने देखिए, पहले होता था नैना से नैना लड़ने पर प्यार हो जाता था, आजकल नैना से नैना लड़ने पर आई फ्लू हो जा रहा है, ये अफवाह है। इसके बारे में अभी डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं आगे। ये तो है नेत्र की संरचना, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। अब हम नेत्र के एक एक परतों को एकदम VIP तरीके से समझते हैं। तो अब अगर परत की बात करें तो इसमें तीन परत पाई जा रही है। पहली जो है दृढ़ पटल, आइए इसके बारे में जानें।
अगर इसमें परत देखें तो लेयर कितना रहेगा, 3 ठो। इसमें पहला क्या है, दृढ़ पटल। ठीक, अब दृढ़ पटल की विशेषता देखिए, ये जो बाहर वाला सबसे था ऐसे, इसी को क्या कहते थे, दृढ़ पटल। तो ये आगे की तरफ ऐसे निकला रहता था, ठीक। ये जो सबसे बाहर का है यही क्या रहता है, दृढ़ पटल। तो ये सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहर यही रहता है, ठीक। ये श्वेत यानी सफेद कलर का रहता है और ये अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी। अब ये अपारदर्शी है और सबसे बाहरी परत है, तो इसका काम क्या होता है, सुरक्षा देना। तो ये सुरक्षात्मक आवरण है, सुरक्षात्मक यानी कि ये सुरक्षा देता है, ठीक। तो ये इसके बारे में था। अब इसी का ये भाग होता है कार्निया, वही समझ लीजिए। इसमें देखिए, इसका आगे की तरफ का उभरा हुआ भाग, आगे की तरफ का उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। और कार्निया के ऊपर एक ठो परत होती है, उसको कहते हैं कंजक्टिवा यानी कि नेत्र श्लेष्मा, नेत्र श्लेष्मा। कार्निया के बारे में जान लेते हैं, ये स्क्लेरा का ही आगे वाला भाग होता है उभरा हुआ, यही नेत्रदान में दिया जाता है। जब सुनते हैं कि हाँ कि फलानी व्यक्ति नेत्रदान कर दिए हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता, पूरा आँख निकाल के दे दिए, वो अपना कार्निया दान देते हैं। ये तो पहली परत थी। अगर दूसरी परत की बात करें तो दूसरी परत है रक्तक पटल, रक्तक पटल अंग्रेजी में कोरोइड। तो देखिए, ये पोषण प्रदान करती है, पोषण, ऑक्सीजन प्रदान करेगी, इसी में रक्त केशिकाएं रहती हैं, रक्त केशिकाएं रक्त लाने का काम करेंगी, इसी में नर्व रहती हैं, ठीक। और ये प्रकाश, देखिए ये ब्लैक कलर का होता है यानी काला, काला कलर रहेगा तो ये प्रकाश का अवशोषण करता है, प्रकाश का अवशोषण। इसके पहले कार्निया के बारे में बताएं, कार्निया प्रकाश को मोड़ देता है। अब मान लीजिए ऊपर वाले भाग से आ रहे हैं, जैसे जैसे ये कार्निया वाला भाग यहाँ से प्रकाश ऐसे आ रहा है तो ये मोड़ देगा इधर, फिर ये प्रकाश को मोड़ने का काम करता है कार्निया। और ये काले रंग का है तो ये प्रकाश के अवशोषण का कार्य करता है। अब इसी में देखिए, यहाँ पर अगर ऐसे आए तो ये जो संरचना है इसको कहते हैं आयरिस, आयरिस। आयरिस की विशेषता देखिए, आयरिस कुछ नहीं करता, ये प्यूपिल के आकार को बढ़ाता है, छोटा करता है, और आँख का रंग यही निर्धारित करता है, आँख का रंग, आँख कैसी है। आयरिस के लिए एक शब्द है BBB, तो इसका ये मतलब नहीं बच्चों को बचाने वाला बालवीर, इसका मतलब है ब्लू ब्लैक ब्राउन। देखिए ब्लू ब्लैक और ब्राउन, ये केवल यही 3 कलर का हो सकता है, या तो नीला रहेगा, या तो काला रहेगा, या तो भूरा रहेगा, ठीक। ऐश्वर्या राय का देखेंगे नीला, नागिन वाली लड़कियों का देखेंगे ब्राउन, बाकी नॉर्मली ब्लैक सबका तो होता ही है। तो ये केवल 3 कलर का रहेगा और ये क्या करेगा, पुतली के आकार को नियंत्रित करेगा, पुतली का आकार नियंत्रित करेगा, ठीक। और इसका कुछ विशेष काम होता नहीं। अब देख लेते हैं पुतली, अगला है प्यूपिल यानी पुतली, ठीक। तो देखें, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करेगा, और ये हमेशा ब्लैक कलर का होता है। अगर हम दिन में देखें, डे टाइम, और इधर नाइट रात को देखें, ये है आँख और ये आइरिस, ये भी आँख है और ये है आइरिस। तो दिन के समय ये छोटा सा होता है, रात के समय बड़ा सा हो जाता है। अभी देखिए, रात को आप घर में बैठे हैं, लाइट जल रही है तो प्रकाश पड़ेगा, अब ये प्रकाश के समय छोटा सा रहेगा, तो जैसे ही लाइट कट जाती है तो एकदम अंधेरा दिखने लगता है, 2 मिनट बाद तब चीज़ें दिखने लगती हैं। तो देखिए, ये छोटा रहेगा तो बड़े होने में 2 मिनट, 1-2 मिनट का समय लेता है, लेकिन बड़ा रहेगा तो छोटे होने में समय नहीं लेता, ठीक। तो दिन के समय जो पुतली का आकार है, देखिए यहाँ आइरिस छोटा रहेगा और यहाँ आइरिस बड़ा रहेगा, यहाँ
आयरिस, आयरिस यहाँ बड़ा रहेगा और यहाँ छोटा रहेगा, यहाँ प्यूपिल छोटा रहेगा छोटा, और यहाँ प्यूपिल बड़ा रहेगा, ये दिन और रात के समय की बात है। अगला अब देख लेते हैं, इसी में रहती है सिलियरी पेशी। सिलियरी पेशी देखिए इनकी संख्या होती है 3 पेयर, यानी 3 जोड़ी, टोटल कितनी होती है 6 ठो। तो ये क्या काम करती हैं, ये लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं। क्या करती हैं, लेंस के आकार को कंट्रोल करती हैं। ठीक, दूर तक दिखना रहेगा लेंस के आकार, लेंस को ऐसे चपटा कर देंगे, जैसे लेंस को चपटा करेंगे लेंस बड़ा हो जाएगा। पास में देखना रहेगा तो ये छोटा कर देती हैं, तो देखते हैं पास में पढ़ना रहता है तो इसी इसी पढ़ते हैं, दूर तक देखना रहेगा एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके देखेंगे। तो ये सिलियरी पेशी के बारे में था, यही है सिलियरी पेशी। ठीक, अब अंतिम परत जो है तीसरी, उसका नाम है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, रेटिना कहते हैं इसको। तो रेटिना, इसका कुछ विशेष काम नहीं होता है, बस ये इमेज बनाता है, इस पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है, तो इसका काम है प्रतिबिंब बनाना। देखिए जब भी दो प्रकाश किरणें जहाँ पर मिलेंगी तो वहाँ प्रतिबिंब बनता है। अब इधर कोई वस्तु यहाँ पर मान लीजिए ये ऐसे है, तो ऐसे प्रकाश किरण जाएंगी और यहाँ पर जाके मिल जाएंगी, तो जहाँ मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। अब रेटिना का वह भाग जहाँ पे प्रतिबिंब एकदम क्लियर इमेज बनता है उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये, मान लीजिए ये जो इतना भाग है यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको कहेंगे पीत बिंदु। क्या कहेंगे, पीत बिंदु, यानी कि येलो स्पॉट, येलो स्पॉट पीत बिंदु, या इसी को कहते हैं मेकुला, मेकुला। ठीक, अब देखिए मेकुला पर तो क्लियर इमेज बनेगा, यहाँ क्या होगा एकदम क्लियर इमेज बनेगा। अब एचडी में इमेज बनाना है, एकदम एचडी क्वालिटी का प्रतिबिंब बनाना है, तो मेकुला पर भी एक बिंदु होता है, फोबिया सेंट्रियोलिस कहते हैं इसको, फोबिया सेंट्रियलिस, यहाँ पर एकदम एचडी में इमेज बनता है। ठीक, अब एक तो यहाँ पर बिंदु होता है, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु के बारे में समझते हैं, अंध बिंदु। यहाँ से देखिए एक ठो नस नर हो गई है, इस नर को कहते हैं प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु के ठीक सामने वाले भाग पर प्रतिबिंब नहीं बनता, तो रेटिना का वह, प्रकाशिक तंतु के सामने रेटिना का वह भाग जहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता उसको कहते हैं अंध बिंदु। ये रेटिना के बारे में था, अब रेटिना के बारे में और समझते हैं। रेटिना ये फोटो रिसेप्टर होता है, ठीक, फोटो रिसेप्टर, रिसेप्टर। तो इसमें दो तरह की कोशिका पाई जाती है, एक होता है रॉड सेल और दूसरा होता है कोन सेल, पूरा नाम है कोनिकल सेल, इसको हिंदी में कहते हैं शलाका कोशिका या क्षण कोशिका, और इसको कहते हैं शंकु कोशिका। देखिए इसका आकार होता है क्षण की तरह ऐसे, और इसका आकार शंकु के टोपी की तरह ऐसे होता है, इसलिए इसको शंकु कोशिका और उसको क्षण कोशिका कहते हैं। इसमें एक ठो पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्सिन, और इसमें एक ठो पिगमेंट पाया जाता है आयोडोप्सिन। ठीक, देखिए ये कलर बताता है, क्या बताएगा, कलर, हरियाली बताने का काम कौन करता है। ठीक, अगर किसी भी जीव के अंदर केवल कोन कोशिकाएं पाई जा रही हैं तो वो केवल दिन में देखेगा, रात में नहीं देखेगा, जैसे गिलहरी हो गई, मुर्गा हो गया, इन सब में केवल कोन कोशिका पाई जाती है, रॉड सेल नहीं पाई जाती, इसलिए ये केवल दिन में देखते हैं रात में नहीं देखते हैं। अगर रॉड सेल की मात्रा, ये अब दिन रात बताएगा, डे और नाइट, यानी ब्लैक एंड व्हाइट कौन बताता है, रॉड सेल, रॉड सेल की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी रात में उतना ज़्यादा दिखाई देगा। तो जो उल्लू है इसके अंदर रॉड सेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उल्लू रात को भी देख लेता है। ठीक, और हो गया दिन रात, ठीक है इतना छाप लीजिए। इसके बाद आगे के लिए 1 मिनट थोड़ा रुक के जाइए। देखिए 1 मिनट, हाँ
ये जो रोडोप्सिन है, पहले शंकु कोशिका की कमी के कारण एक ठो रोग होता है, उस रोग को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। और रॉड सेल की कमी के कारण एक ठो रोग होता है, उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको कहते हैं रतौधी। ये विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से वास्तव में कमी हो जाती है रॉड सेल की, ठीक, रॉड सेल में भी रोडोप्सिन की, इसीलिए हो जाता है रतौंधी। इतना उतारने के बाद अब आप समझते हैं लेंस के बारे में। लेंस तो देखिए, नेत्र में पाया जाता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस। ये देखिए, ऐसे अगर करके आगे की तरफ उभरा हुआ है तो उत्तल लेंस, ये दोनों तरफ से उभरा हुआ है तो द्विउत्तल लेंस। अब देखिए, इस लेंस से अगर दूर की वस्तु को देखना है तो लेंस का आकार ऐसे हो जाएगा बड़ा, अगर पास की वस्तु को देखना है तो ये रहेगा ऐसे, ठीक, तो चपटा हो जाएगा दूर की वस्तु को देखना है, मोटा हो जाएगा पास की वस्तु को अगर देखना है, तो यही है लेंस। अब खूब बढ़िया से समझते हैं कि देखते कैसे हैं लेंस। ये सस्पेंसरी लीगामेंट द्वारा, सस्पेंसरी लीगामेंट द्वारा जुड़ा रहता है सिलियरी पेशी से, सिलियरी मसल्स की संख्या 6, 3 जोड़ी। अब आइए समझते हैं एकदम बढ़िया से। ये जो नेत्र है, मान लीजिए ये है नेत्र, ठीक, ये बढ़िया से बन जा, ये है नेत्र, तो इसमें 3 ठो परत रहेंगी, यहाँ लगा रहेगा लेंस और यहाँ लगी रहेंगी सिलियरी पेशियाँ, और ये इसके 3 ठे, ये ठीक। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट जानिए, जो चूहा है इसमें स्क्लेरा नहीं पाया जाता, ठीक, तो चूहे की जब आँख देखेंगे तो उसमें केवल काला काला दिखाई देगा और कुछ नहीं। तो ये लेंस है। अब यहाँ मान लीजिए कोई पापा की परी खड़ी है, अब इससे प्रकाश होकर अंदर जाएगा और वो प्रकाश रेटिना पर मिलेगा, तो रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्लियर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, येलो स्पॉट, और HD प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोविया सेंट्रियोलिस पे, ठीक। तो जो धनुर्धर होते हैं वो जब देखते हैं, ऐसे देखते हैं तो वो कहाँ पर, किस स्थान पर उनका प्रतिबिंब बनता है, फोविया सेंट्रियोलिस, ठीक, बस पसीना पसीना हो गए हैं जी। तो चलिए आगे समझते हैं, नेत्र से संबंधित कुछ रोग समझते हैं। इसके पहले नेत्र का कार्य देख लेते हैं। तो इसका कार्य है देखना, यानी वस्तुओं को दिखाना, वस्तुओं को देखना, ठीक। अब जैसे दिन है कि रात है, हरियाली है कि सूखा पड़ा हुआ है, ये कौन बताएगा, गिर जा रहा है, तो हरियाली है कि सूखा पड़ा हुआ है, ये सब कौन बताएगा, नेत्र बताएगा, ठीक। अच्छा, ये पढ़ना, देखकर पढ़ते हैं, कौन बताता है, नेत्र, क्या क्या लिखा गया ये कौन बताएगा, नेत्र। इसका काम मार खिलवाना भी है, मार खिलवाना। अब मान लीजिए कोई लड़की जा रही है, एकदम घूर घूर कर देख ले रहे हैं, गई अपने पति से बता दी, पिटा गए, ठीक, तो इसका काम मार खिलवाना भी है, मार खाएंगे इसे मुक्का मुक्का, देखिए फिल्मों में देखते हैं इसे मुक्का मुक्का मार खाते हैं तो उसका आंखें काली हो जाती हैं, ठीक, और आई फ्लू में लाल हो जा रही हैं। तो चलिए मस्त से समझते हैं अब आँखों से होने वाले रोग। तो रोग इसमें कौन कौन से आएंगे वो देखिए, पहला देख लेते हैं दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। देखिए इसमें लिखा है दूरदृष्टि दोष, दोष मतलब कमी होता है दूर। अब इसमें होगा क्या, जो दूर की वस्तु रहेगी, याद रखिएगा जो भी रोग रहेगा दृष्टि दोष से संबंधित, तो उसमें जो नाम आएगा वो वाली वस्तु क्लियर दिखाई देगी, तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी, स्पष्ट दिखेगी, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी, ठीक, दूर की वस्तु एकदम मस्त HD में दिखाई देगी, पास की वस्तु HD में नहीं दिखाई देगी। अब इसका कारण जानते हैं, तो देखिए नॉर्मल अवस्था में रेटिना पर अगर जैसे
ये हो गया आँख और ये है लेंस। यहाँ पर कोई वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब अगर दोनों प्रकाश किरणें इसकी रेटिना पर मिली तब तो HD क्वालिटी में एकदम दिखाई देगा प्रतिबिंब। अब इसमें होता क्या है, ये जैसे आपका नेत्र है, ये नेत्र लेंस है, यहाँ पर कोई वस्तु है ये। अब इससे जो प्रकाश लेंस द्वारा प्रवेश करके आँखों के अंदर जाता है वो रेटिना से दूर जाकर बनता है। देखिए यहाँ बन रहा है तो ये रेटिना से दूर बन रहा है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष सुनाम सुनकर ये मत सोचिएगा कि दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु एकदम मस्त VIP दिखेगी HD में। इसमें जो प्रकाश किरणें होती हैं वो दूर मिलती हैं। अब इसका निवारण क्या है, तो देखिए इसके निवारण के लिए कुछ नहीं करते, निवारण बस चश्मा जो लगाएंगे उसी में उत्तल लेंस लगा देंगे। अब देखिए उत्तल लेंस लगाएंगे तो होगा क्या, ये है दूर पर बन रहा है, अब यहीं आँखों में लगा दिए उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस ये करेगा क्या, यहाँ से जो भी प्रतिबिंब इसकी प्रकाश किरणें इसमें से आएंगी वो उन प्रकाश किरणों को और पास ला देगा, यहाँ से भेजेगा इसमें और यहाँ से ये इसमें, फिर ये जाके यहीं रेटिना पर मिल जाएंगे और प्रतिबिंब यहीं बन जाता है। अब यदि इसका एक और दूसरा है वो रहता है निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष समझते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये है आँख, अब यहाँ पर कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है, यहीं पर ये मिल गया तो ये है रेटिना, रेटिना के पहले ही दोनों प्रकाश किरणें मिल गई तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा नहीं। तो इसमें होगा क्या, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगी एकदम मस्त, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। ठीक, अब निवारण के लिए, अब इसका निवारण देखिए, निवारण अब इसमें लगाएंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस देखिए करेगा क्या, ये है अवतल लेंस, ये प्रकाश किरणें इसमें गई और ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। देखिए समझते हैं, ये है अवतल लेंस, तो यहाँ कोई वस्तु है, ये प्रकाश किरणों को फैला देगा। अब गए उत्तल लेंस के पास गई और ये प्रकाश किरण को ले जाके रेटिना पर मिला देगा, इससे दूर हो जाएगा। देखिए कंफ्यूज रहते हैं लड़के कि निकट में और दूर में कौन कौन सा निवारण किया जाता है, तो देखिए दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। अब इस निवारण के लिए दो लेंस लगते हैं उत्तल अवतल, तो इसमें दो अक्षर हैं, दो अक्षर का निवारण तीन, दो का तीन, तीन का चार, तो दो हैं तीन यानी उत्तल और इसमें तीन है चार यानी अवतल। ठीक, तो दो का तीन, तीन का चार, यही याद रखिएगा। अब एक और रोग है समझ लेते हैं, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। देखिए ये जो लेंस है इसी लेंस पर धब्बे पड़ जाए, स्पॉट धूमिल दिखाई देगा एकदम धूमिल, इसी को कहते हैं मोतियाबिंद। ठीक, ये सिलियरी पेशियां जब ढीली पड़ जाती हैं, ये सिलियरी पेशियां हैं, ये ढीली पड़ जाती हैं तो लेंस की जो पकड़ है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और इस पर धब्बे बन जाते हैं, यही स्थिति कहलाती है मोतियाबिंद। तो ऑपरेशन करके इन धब्बों को हटा देते हैं या फिर दूसरा लेंस लगा देंगे, हो गया इसका निवारण। देखिए जो 90-80 दशक के हिंदी फिल्में और उसके गाने होते थे वो ठीक ठाक अच्छे खासे रहते थे, और अब वाली फिल्मों के गाने तो अजीब ही रहते हैं। खड़ा हो जा, उम्र करके आया है, नहीं करके आया है, इधर निकल पाए मुड़ सीधे चलते, जा बाहर निकल, मुर्गा बन, इधर आ जा, अंदर जा, बैग ले, घर जा, खाना खा, खेल कूद, बैठ, ये वो, पता नहीं कैसे कैसे गाने हैं। गाना गा रहा है, गा कर क्या समझा रहा है ये समझ में ही नहीं आता है, बस पता चलता है कि हाँ कुछ तो कह रहा है, इसको रैप सॉन्ग कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, तो चलिए आई फ्लू को समझते हैं। देखिए आई फ्लू को कहते हैं कंजक्टिवाइसिस, कंजक्टिवाइसिस या कंजक, हाँ देखिए कंजक्टिवाइसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कार्निया के आगे का भाग होता है उसको कहते हैं कंजक्टिवा, और ये कंजक्टिवा को ही प्रभावित कर देता है, वो लाल कलर का हो जाता है या तो पीला, ठीक ज़्यादा करके लाल कलर का हो जाता है, इसी को कहते हैं कंजक्टिवाइसिस। अब इसका कारण जान लेते हैं, जो कंजक्टिवाइसिस है ये वायरस के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, और या तो एलर्जी के कारण, एलर्जी जैसे धूल कण आँखों में चली गई
तो या तो देखिए, आँखों का लाल हो जाना इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कंजक्टिवाइसिस होता है। मैंने तो सुना था कि नैना से नैना लड़ने पर इश्क मोहब्बत होता है, यहाँ तो आँखों से आँखें मिलने पर आई फुलू हो जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। आँखों में देखने से आई फुलू नहीं होता। देखिए, जब आई फ्लू होगा तो आंखें लाल हो जाएंगी, थोड़ा सूजन भी आ जाएगा और पानी भी निकलने लगता है। अब मान लीजिए वो जो पानी डिस्चार्ज हुआ उसको ऐसे हाथों का ऐसे छू लिए, अब इस हाथों को छूए फिर इस किसी से हाथ मिला लिए, अब वायरस इसा यहाँ से उसके हाथ में पहुँच गया, अब वो भी कभी ऐसे मुँह पोछा तो हो जाता है उसको भी आई फ्लू। ठीक, अब देखिए कुछ और कारण से भी आंख लाल हो जाती है, तो वो कंडी आंख लाल होना आई फ्लू ही नहीं होता। मान लीजिए आप देर रात तक पढ़ाई कर रहे हैं, आंख लाल हो जाएगी, रात में सोए बहुत कम हैं, 2-3 घंटा सोए हैं, आंख लाल हो जाएगी, धूल कण चला गया ऐसे खूब तेज़ी से मल दिए, आंख लाल हो जाएगी, रात भर कमाई कर रहे हैं, अरे रात भर कमाई करेंगे, पैसा सेविंग करेंगे डेयरी मिल्क खिलाने के लिए गर्लफ्रेंड को, तो देखें। अच्छा हाँ, एक बात जान लीजिए, लड़कियों को जब खाना रहेगा तो वो क्या कहेंगे, डेयरी मिल्क खिला दीजिए और चोकोबार खिला दीजिए, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर। चाउमीन जानते हैं, वही जो बरसात के केचुए की तरह होता है, वही टेढ़ में रस्सी लाई के स्ट्रक्चर इज कॉल्ड चाउमीन, जो एक ठो बर्छा आता है उसको भोग कर ऐसे खाते हैं वही वाला। तो जब भी लड़कियों को खाना रहेगा तो वो ये कहेंगे, आप कहेंगे हमको कुछ खिला दो, कहेंगे चलो तुमको रोटी भुजिया बना के खिला देंगे, आप खुश हो जाएंगे, करी वाह रोटी बना कर लाएगी हमारे लिए। तो ये सब मत जाइए। चलिए देखें कारण क्या था, संपर्क में आना, क्योंकि ये सब संक्रामक बीमारी है। अब इसका निवारण क्या है, वैसे तो 2-4 दिनों बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। अब जैसे ये मान लीजिए आँख है, इसका ये वाला पोर्शन ऐसे लाल हो जाता है, ठीक, इसी को कहते हैं आई फ्लू। अब सुबह में आप उठिए और आपके मुंह में जो सलाइवा बना रहता है उसको निकालिए और जैसे काजल लगाते हैं उसी तरह लगा लीजिए, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। ये तो आई फ्लू था, ठीक। अच्छा, पहले जो पुरानी पिक्चरें होती थी उसमें हीरो हीरोइन के आंख में देखे प्यार हो जाता था। अगर ऐसा सोचिए, अगर ऐसा बाहर होता तो क्या होता, एकदम घूर कर देख देते, बीमार हो जाती, एकदम खिसिया की नज़र लग जाती है, इतना खिसिया के देख लें चक्कर आ जाए उसको। देखिए आई फ्लू हो गया, अगली बीमारी एक तो है जीरोक्थैलेमिया। क्या है जीरोक्थैलेमिया? देखिए, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो नेत्र में ही जो कंजक्टिवा है, इसमें कीरेटिन का जमाव हो जाता है, कीरेटिन का। अब इसके जमाव के कारण जो आश्रु ग्रंथि है, इसका जो आंसू है वो फैल नहीं पाता, फैलेगा नहीं। अब इससे नेत्र में धूल कण आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, धूल कण। इससे जो लेंस है वो नष्ट हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, जीरोक्थैलेमिया। अब कुछ पूछ लिया जाए, अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट, मान लीजिए अंधेरा है और टॉर्च बारे, सामने एक ठो गाय खड़ी है, उसकी आंखें चमकने लगी, तो ये क्यों होता है वो जान लीजिए। उसकी आंखों में पाया जाता है टेपिटम लुसिडम, टेपिटम ल्यूसीडियम के कारण गाय भैंस कुत्ता बिल्ली की आंख रात को चमकती है। इसमें जिडेन भी रहता है जिंक, और ये गुआनिन युक्त पदार्थ है, गुआनिन युक्त, ठीक। चूहे के आंख में स्क्लेरा नहीं पाई जाती, बताइए उल्लू रात को किसके कारण देखता है, ठीक, मुर्गा रात को नहीं देखता, क्या कारण है।
आँख की सबसे बाहरी परत। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक, आँख जो है ना वो 576 मेगापिक्सल की है। जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें कैमरे का मेगापिक्सल रहता है, उसी तरह आँख में कितना मेगापिक्सल? 776 मेगापिक्सल। तो फोटो कैसा बनेगा? एकदम HD में बनता है। ठीक, आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? वेरी गुड। आँख का कार्य, आँख में दो तरह के द्रव भरे होते हैं, द्रव के बारे में जानिए। एक होता है जलीय द्रव और एक होता है कांचाभ द्रव। ठीक, तो अगर लेंस देखिए, ये मान लीजिए आपकी आँख है, ये लेंस है, तो ये रेटिना, रेटिना और लेंस के बीच में जो द्रव रहेगा उसको क्या कहेंगे? कांचाभ द्रव। लेंस और कार्निया के बीच जो द्रव रहेगा वो जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमरस, विक्टरस ह्यूमरस। ठीक, तो बताते रहिए। आँख ऑर्बिटल कैविटी में पाई जाती है, ये जो सिरों का सामने वाला भाग होता है, इसमें ऑर्बिटल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी में आँख होती है। इसकी संख्या कितनी रहती है? तो दो ठो एक जोड़ी, और ये संवेदी अंग है, प्रकाश ग्राही अंग। चलिए बताते रहिए, आँख में कितनी परतें? सबसे आंतरिक परत, ठीक, सबसे बाहरी परत। रेटिना में कितनी तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं? ठीक है, विटामिन ए की कमी से रोग, रतौंधी, जेरोप्थैल्मिया, और दोनों के बारे में यहाँ बताया गया। कलर ब्लाइंडनेस, देखिए एक ठो होता है, अगला रोग है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो चलिए वर्णांधता के बारे में जान लेते हैं। वर्णांधता, ठीक, तो देखिए ये होता है कोन सेल या कोनिकल कोशिका का, शंकु कोशिका कहते हैं, उसकी कमी के कारण होता है। अब इसमें होता क्या है, जो व्यक्ति हर रहता है वो हरा और लाल में विभेद नहीं कर पाता, तो उसको ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर या हाँ उसको चालक यानी ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर, बस ड्राइवर या सेना की भर्तियों में नहीं लिया जाता, पायलट उसको नहीं बनने दिया जाता। मान लीजिए ले लिए उसको, ट्रेन ड्राइवर बना दिए, हरा बत्ती दिया है उसको, लाल समझ के लेके जा रहा है, गया कहीं ठोक दिया, ठीक, इसीलिए उसको नहीं बना दे। और पायलट, ये भी नहीं बनाते, ट्रेन ड्राइवर, ड्राइवर ये भी नहीं बनाते, सेना में इसमें भी भर्ती नहीं होती, ठीक, क्योंकि वो लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता। तो ये तो था रोग। अब चलिए आप लोग बताते रहिए, कुछ पूछ लें आपसे। चलिए संरचना बना रहे हैं, आपको बताना है कि हाँ कौन कौन सा भाग है। आँख की सबसे बाहरी परत, ठीक, ये इसको क्या कहते हैं? लेंस। ये जो निकला हुआ भाग है कार्निया, ये जो दूसरी परत एक ठो ऐसे आगे आई रहती है इसको आयरिस, फिर यहाँ से तीन जोड़ी मसल निकली रहती है इसको, ठीक। देखिए ये जाके प्रकाशिक जो तंतु है, ये है प्रकाशिक तंतु, ये जुड़ा रहता है मस्तिष्क से, और मस्तिष्क का ये कौन सा भाग है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाना से, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो आँख में तो लगा होता है उत्तल लेंस, और ये प्रतिबिंब बनाता है उल्टा, वास्तविक और छोटा। तो देखिए जब हम किसी भी वस्तु को देखेंगे तो वो उल्टा दिखाई देगा, यहाँ रेटिना पर उसका प्रतिबिंब, जैसे यहाँ कोई ब्रिज है इसको ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ऐसे।
अब ये मस्तिष्क के वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक के रूप में जाएगा ऑप्टिक नर्व से होते हुए कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमाना के पास। अब कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमाना उसको सीधा कर देगा और भेज देगा सेरिब्रम के पास, कह के पहचान हो जरा क्या है, कह अरे पेड़ तो है, यही प्रक्रिया रहती है। तो हम जब किसी को देखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, फिर उसको सीधा कौन करेगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमाना। मस्तिष्क पर वीडियो बनाया जा चुका है, देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, मौज से देख लीजिएगा। ठीक चलिए बताइए इसको क्या कहते हैं, रेटिना, इसको कोरोइड, ये प्रकाशिक तंतु, जहाँ प्रतिबिंब बनता है येलो स्पॉट, जहाँ प्रतिबिंब ना बनता हो ब्लाइंड स्पॉट, ये पुतली, ठीक, इसके ऊपर एक ठो परत, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा में एक ठो रोग होता है कंजक्टिवाइसिस। तो चलिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।